Good morning children, welcome to all in your maths class. Today we will do again chapter 10 patterns. Today we will do practice zone 4. So let's start from practice zone 4. Find the missing numerals. Question number A, 7 minus fill in the blanks is equal to 4. 7 minus fill in the blanks is equal to 4. Fill in the blanks plus 4 is equal to 7. अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 7 minus fill in the blanks is equal to 4. तो ये देखिए, यहाँ minus दिया हुआ है आपका. तो ये देखिए, in a subtraction fact, there is one addition fact and one subtraction fact. जो ये सब्ट्रैक्शन फैक्ट है आपका, तो ये जो है आपके टू फैक्टर रखेगा, वन सब्ट्रैक्शन फैक्ट एंड वन एडिशन फैक्ट. ये जो है ये सब्ट्रैक्शन फैक्ट है. ये देखिए, 7 माइनस फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 4. अब यहाँ जब आपका जो बिगर डिजिट दी हुई है ऑलरेडी, और आपको क्या फाइंड करना है, सेकंड नंबर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे इसमें से, जो हमारा 7 माइनस 4, तो ये 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3. तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 3. क्या हो जाएगा 3. यहाँ देखिए, जो 7 है, 7 हमारा बिगर नंबर है, डिफरेंस हमारा ऑलरेडी दिया हुआ. तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा सब्ट्रैक्शन फैक्ट. अब जो सब्ट्रैक्शन फैक्ट है वो टू फैक्टर रखता है, वन एडिशन फैक्ट एंड वन सब्ट्रैक्शन फैक्ट. तो ये देखिए, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पर आपको 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3. अगर हम 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, जो हमारा यहाँ पर लिखा था. अगर हम 7 माइनस 3 करेंगे तो हमें 4 डिफरेंस मिलेगा. तो ये इसके फैक्टर हो गया, ये सब, ये इसका जो है सब्ट्रैक्शन फैक्टर का, वन सब्ट्रैक्शन फैक्टर, ये सब्ट्रैक्शन फैक्टर. अब एक जो होगा वो दूसरा क्या होगा, एडिशन फैक्टर. देखिए, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7. तो देखिए, जब हम 4 और 3 को प्लस करेंगे तो हमें जो मिलेगा 7, जो हमारा ये क्या होगा, हमारा एडिशन फैक्ट होगा. तो जो सब्ट्रैक्शन फैक्ट है वो टू फैक्टर रखता है, वन एडिशन फैक्टर एंड वन सब्ट्रैक्शन फैक्टर. तो ये देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है आपका, ये जो था हमारा, यहाँ पर हमने क्या फिल करेंगे, हम 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3. 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3. तो ये देखिए, अब हमें 7, यहाँ जो हमारा यहाँ पहले लिखा हुआ है वो हमारा सम ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है ऑलरेडी. तो यहाँ इसका फैक्टर, ये आपका एडिशन फैक्टर है, ये होगा एडिशन फैक्टर, एडिशन फैक्टर, और ये है आपका सब्ट्रैक्शन फैक्टर. ये क्या है, सब्ट्रैक्शन फैक्टर. तो ये देखिए, जब हमारा सब्ट्रैक्शन फैक्टर हमने फाइंड कर लिया है, अब एडिशन फैक्टर को यहाँ जब हमारा सम ऑफ टू नंबर दिया हुआ है तो यहाँ क्या होगा, तो ये देखिए, 7, अगर जो हमारा जो सम ऑफ टू नंबर में से जो 4 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3. तो ये देखिए, सब्ट्रैक्शन जो रखता है वो टू फैक्टर रखता है, वन सब्ट्रैक्शन फैक्टर एंड वन एडिशन फैक्टर. तो ये देखिए, एडिशन फैक्टर हो गया और ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन फैक्टर. इट इज क्लियर? तो देखिए, टू फाइंड द मिसिंग न्यूमरल्स इन एडिशन सेंटेंस यूज सब्ट्रैक्शन फैक्टर. तो अगर हम प्लस में, एडिशन में हम
ये जो एडिशन है, जब हम एडिशन में मिसिंग नंबर को फाइंड करेंगे तो किसका यूज करेंगे? सब्ट्रैक्शन फैक्ट का। किसका यूज करेंगे? सब्ट्रैक्शन फैक्ट का यूज किया। और टू फाइंड द स्मॉलर मिसिंग न्यूमरल्स, अब हम यहाँ पर भी हमने सब्ट्रैक्शन का यूज किया और यहाँ पर भी हमने सब्ट्रैक्शन। जब हम एडिशन फैक्ट को फाइंड करने के, जो उसमें मिसिंग नंबर है उसे फाइंड करने के लिए हमने किसका यूज किया? सब्ट्रैक्शन का फैक्ट का यूज किया। क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स, -5 = 3। फिल इन द ब्लैंक्स, -5 = 3। तो ये देखिए, इसमें जो है 5 आपको कैसे फाइंड करेंगे कि हमारा जो मिसिंग नंबर है वो क्या होगा। अब जब हमारा यहाँ पर फर्स्ट नंबर मिसिंग है, अगर हम 5 - 3 = 2, अगर हम इसमें सब्ट्रैक्शन फैक्ट का यूज करेंगे 5 - 3 = 2, तो ये देखिए यहाँ पर अगर हम 2 राइट किया, 2 - 5, यू कैन डू 2 - 5, नो। तो क्या करेंगे? तो ये देखिए, जब हमारा फर्स्ट न्यूमरल जो होगी वो मिसिंग होगा, टू फाइंड द बिगर मिसिंग न्यूमरल। अब यहाँ पर आपको बिगर नंबर ही माइनस कर, यानी कि यहाँ बिगर न्यूमरल राइट करनी होगी, तभी बिगर न्यूमरल में से ही हम 5 को माइनस कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, जब हमारी फर्स्ट डिजिट जब हम माइनस करते हैं किसी भी नंबर में से, तो जो हमें की बिगर नंबर ऑन द टॉप, तो यानी कि बिगर नंबर को हम टॉप पर रखते हैं। मैंने बताया था ना कि बिगर नंबर को हम कहाँ रखेंगे? ऑन द टॉप। तो ये जब हम बिगर नंबर को टॉप पर रखेंगे तो बिगर नंबर हमें कब मिलेगा? जब हमें टू फाइंड द बिगर नंबर इन द मिसिंग न्यूमरल, मिसिंग न्यूमरल में बिगर नंबर फाइंड करने के लिए हम कौन से फैक्ट का यूज करेंगे? एडिशन फैक्ट का यूज करेंगे। तो देखिए, 5 + 3 = 8, 5 + 3 = 8। तो ये देखिए कौन से एडिशन, ये होगा हमारा एडिशन फैक्ट। एडिशन फैक्ट, तो हमें 5 + 3 यानी कि बिगर न्यूमरल को फाइंड करने के लिए हमें कौन से फैक्ट का यूज करेंगे? एडिशन फैक्ट का यूज करेंगे। तो 5 + 3 = 8, 8। इट इज क्लियर? तो ये देखिए, ये था हमारा एडिशन फैक्ट। अब हमें बिगर न्यूमरल को राइट याद रखना है आपको, बिगर न्यूमरल को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? एड, एडिशन फैक्ट का यूज करना है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 5 + fill in the blanks = 8। 5 में आप कितने नंबर प्लस करें कि आपका जो आंसर है सम ऑफ द टू नंबर वो 8 आना चाहिए। तो 8 यानी कि अगर हम इन दोनों यहाँ पे प्लस का मार्क है, अगर हमने 5 और 8 को प्लस किया तो वो तो 13 हो जाएगा। और यहाँ अगर हम यहाँ पर हमने 13 राइट किया, 5 + 8 = 13 और 5 + 13 = 18। तो ये सम तो ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा? अब हमें जब हम स्मॉलर न्यूमरल को फाइंड करने के लिए, स्मॉलर ये जो हमारा बिगर नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, स्मॉलर न्यूमरल को फाइंड करने के लिए हमें कौन से फैक्ट का यूज करेंगे? सब्ट्रैक्शन फैक्ट का यूज करेंगे। तो देखिए, 5, 8, 8 बिगर नंबर, जो सम ऑफ टू नंबर वो बिगर नंबर है। बिगर नंबर में से अगर हम स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमें क्या मिलेगा? 3। तो देखिए, ये होगा 5 + 3 = 8। अगर हम अब दोनों को प्लस करेंगे, 5 + 3 = 8, तो ये कौन सा फैक्ट होगा हमारा? ये होगा सब्ट्रैक्शन फैक्ट। सब्ट्रैक्ट फैक्ट कौन सा होगा? सब्ट्रैक्शन फैक्ट। अब यहाँ पर देखिए, हमें बिगर न्यूमरल को फाइंड करने के लिए, बिगर न्यूमरल
फाइंड करने के लिए हम सब्ट्रैक्शन फैक्टर का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर सी, 6 माइनस फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 4। 6 तो ये देखिए 6 ये हमारी जब हमारा यहाँ बिगर न्यूरल ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है माइनस 4, तो ये देखिए 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ हम राइट करेंगे 2। तो ये देखिए अब हमें टू फाइंड द स्मॉलर न्यूमरल, तो स्मॉलर मिसिंग न्यूमरल इन द सब्ट्रैक्ट सेंटेंस यूज द सब्ट्रैक्शन फैक्ट, यूज द सब्ट्रैक्शन फैक्ट का यूज किया तो हमें क्या मिला 2, 4 प्लस 6। अब यहाँ भी हमारा सम ऑफ टू नंबर, तो सम ऑफ टू नंबर बिगर नंबर, तो यहाँ भी हमें जब हमारा ऑलरेडी बिगर नंबर दिया हुआ है माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो ये भी हमारा किसका यूज करेंगे यहाँ भी हम सब्ट्रैक्शन फैक्ट का, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अब क्वेश्चन नंबर डी फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 3, फिल इन द ब्लैंक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ देखिए अब 3 इज इक्वल टू, तो देख जब हम माइनस करेंगे तो कितने से करेंगे बिगर नंबर में से, तो बिगर नंबर हमारा मिसिंग है, तो बिगर नंबर जब हमारा मिसिंग होगा टू फाइंड द बिगर मिसिंग न्यूमरल, तो वी कौन सा क्या करेंगे कौन सा फैक्ट यूज करेंगे एडिशन फैक्ट, तो यहाँ देखिए 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो ये होगा हमारा बिगर फैक्ट, ये सॉरी एडिशन फैक्ट, इसे क्या बोलेंगे एडिशन फैक्ट। तो देखिए 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ क्या दिया हुआ है 2 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 5, तो 5 इज अवर बिगर नंबर, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो ये होगा हमारा एडिशन फैक्ट और ये होगा हमारा सब्ट्रैक्शन फैक्ट। अब स्मॉलर ये याद रखना है, जब हमें स्मॉलर न्यूमरल को फाइंड करना है तो हमें सब्ट्रैक्शन फैक्ट का यूज करना है, जब हमें बिगर न्यूमरल को फाइंड करना है तो हमें एडिशन फैक्ट का यूज करना है। तो देखिए 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर ई एंड एफ, दिस इज योर होमवर्क, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। Thank you.